हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आज मैं लेकर के आई हूँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज का मेरा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? तो जनरली मैनेजमेंट के जो होते हैं, तीन लेवल होते हैं। एक फर्स्ट होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। इसको हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो आज मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इसके क्या फंक्शंस है, इसके क्या काम है, इसके बारे में इसमें इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ पर्संस वर्किंग एट हायर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि टॉप से ही पता चल रहा है, टॉप का मतलब होता है जो सबसे ऊपर वाले पोस्ट पे होता है, सबसे हायर पोस्ट पे, वो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। और इसके पास जो है पावर भी सबसे ज़्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे एग्जांपल के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, तो चेयरमैन आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ये सारे लोग आएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शंस होता है, क्या काम होता है? तो डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरप्राइजेस। जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटरप्राइजेस के, वो कौन बनाता है? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाते हैं। सेकेंड क्या होगा, अरेंज फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज़। जो भी इंटरप्राइजेज है उसमें जो फाइनेंस पैसे की ज़रूरत होगी, फिक्स एसेट्स होगा, वो सारा कुछ अरेंज जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। अब आइए इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड इसका है, इसका फंक्शंस है, दे फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। टॉप लेवल मैनेजर ही जो मैनेजमेंट करते हैं, वही क्या करते हैं, पॉलिसीज और प्लान्स भी बनाते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है, असाइंस जॉब टू इंडिविजुअल्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। तो ये क्या करते हैं, ये जॉब देते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। फिफ्थ है इनका, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनका ही दायित्व होता है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में और कैसे वो अपने कॉम्पिटिटर के मतलब बीच में सर्वाइव करे बिजनेस जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है। अब देखते हैं हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूट प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जस्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट के नीचे आते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी प्लान्स बनाया है, पॉलिसीज बनाए, उसको पालन करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना इनका काम होता है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसका एग्जांपल है फाइनेंस मैनेज। जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना, फाइनेंस के हुए, मार्केटिंग के हुए, वे सारे लोग इसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। जैसे कि फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर होंगे, परचेज डिपार्टमेंट हेड्स होंगे, ये लोग सारे कोई मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसका फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इनका क्या काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट इसका काम है लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये क्या होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में होते हैं। तो ये एक लिंकअप होते हैं, लिंक होते, एक जरिया होता है दोनों के बीच कनेक्शन का। नेक्स्ट सेकेंड है, इम्प्लीमेंट एंड एक्सप्लेन द पॉलिसीज एंड प्लान्स मेड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। ये क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जो भी पॉलिसीज एंड प्लान जो है टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, वो जो
प्लान्स और पॉलिसीज़ है वो इसको एक्सप्लेन करने का काम करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। थर्ड है रिक्रूटिंग एंड अपॉइंटिंग इम्प्लॉइज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट में उनके डिपार्टमेंट में कोई भी अगर एम्प्लॉय का ज़रूरत होता है तो वो उसको क्या करते हैं, हायर भी करते हैं, रिक्रूट करते हैं। फोर्थ है मोटिवेट इम्प्लॉयज़ सो दैट दे गिव देयर बेस्ट। ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का भी काम करते हैं ताकि वो क्या करें, अपना बेस्ट दें एम्प्लॉय। तो ये हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस। तो जैसा कि मैंने अभी जो अभी बताया था, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे डायग्राम बना के भी दिखाएंगे, ठीक है। पहले अगर आप इस तरीके के डायग्राम बना के दिखाते तो इसमें क्या होता है, मार्क्स अच्छा मिलता है, ठीक है। लास्ट है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट विच इज़ एक्चुअली कनेक्टेड विद द पर्संस वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं इम्प्लॉयज़ से, ठीक है। ये सबसे लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, यही जो है इम्प्लॉयज़ से कनेक्टेड होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कौन कौन होते हैं, तो सुपरवाइज़र, फोरमैन, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। अब आइए जान लेते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या वर्क होता है, क्या काम होता है, इनका क्या फंक्शन है। तो इनका जो काम होता है वो है प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन टू वर्कर्स। ये जो है वर्कर्स को अच्छा गुड वर्किंग कंडीशन देना इनका काम होता है। सेकंड होता है हेल्प मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग वर्कर्स। ये मिडिल लेवल मैनेजर्स को हेल्प करते हैं रिक्रूटिंग के प्रोसेस में, सिलेक्शन के प्रोसेस में। थर्ड है क्रिएट सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। ये क्या करते हैं, सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। फोर्थ होता है दे प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट फॉर वर्कर्स, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं सेफ और सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट वर्कर्स के लिए। एंड फिफ्थ होता है कम्युनिकेट विथ वर्कर्स। ये क्या करते हैं, वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि यही सबसे लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो इनका कनेक्शन सबसे ज़्यादा होता है वर्कर्स के साथ। तो ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका कैसा चल रहा है काम वगैरह, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड और भी वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर किसी को भी कोई चैप्टर या कोई टॉपिक जानना हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करिए, तो मैं क्या करूँगी, उसी टॉपिक पे एक वीडियो लेकर के आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, ओके, थैंक यू।